एक और मामला वाला शरीफ है, जब रिकॉर्डिंग कर रहा था मैं यहाँ पे, उस टाइम ना रिकॉर्डिंग खुद ब खुद बंद हो गई, और उसके बाद मैंने जल्दी से दोबारा उसको स्टार्ट किया, तो उस दौरान जितना टाइम कैमरा ऑफ था ना, यहाँ पर मुझे कोई चीज़ जो है वो महसूस हुई थी, कोई चीज़ यहाँ पर थी, और अच्छा मैं उसको कैप्चर करने के लिए जब जैसे रिकॉर्डिंग ऑन किया तो एक सेकंड में वो गायब हो गई, सही, यानी कि लेकिन जिस मैं वक्त आपकी रिकॉर्डिंग बंद हुई बंद हुई उस उस वक्त दौरान, सिर्फ आपको नजर आई है, उस और दौरान वो जैसे चीज़ आपने नज़र आई ऑन है, किया उस रिकॉर्डिंग को तो वो उस गायब चीज़ को हो मैं गई। कैप्चर नहीं कर सका, ऐसे रिकॉर्ड हुआ हुआ था? था नहीं, वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं हुई, ये बिल्कुल कॉर्नर में यहाँ पे, कोई जानवर वगैरह तो नहीं था? ये ये कैसी भी हो चीज सकता है? है कि शायद कोई जानवर हो, लिबास ही है ना, वो वो दरवाजा डोर डोर मूव है। डोर मूव है। अल्लाह अकबर। तकबीरुल्लाह। तो ऐसा लग रहा है कि उस मखलूक ने रोक दिया हो। ये देखिए इधर की आवाज है ना, अच्छा, इस जगह भी जो है ना ये नीडल अलग नहीं शो कर रहा, सिर्फ नीडल जो है ना वही मूव हो रही है। ना कहीं देखिए अंदर इनको ही ना वहाँ पे, खींच ले। बिस्मिल्लाह करें जी। दोबारा फिर आपको कुछ चेंजिंग महसूस हो रही है मेरे यहाँ आकर? स्मेल देख आ रही है, और तो स्मेल उसके भी और ना अलावा एक अजीब सा, क्योंकि एक घुटन सी महसूस घुटन हो सी रही है महसूस इस हो रही चौधरी है। है। इधर इधर साइड पे से ये शेयर की रहा है ऊपर से। जैसे ये गिरा है ना वहां पर ना शरीफ, ये जो ऊपर पड़ा है क्या ऐसे बोलते हैं यार जिसमें ये बर्तन गिलास पड़े है? हुए हैं ना, नहीं, ऊपर नहीं पड़ा, गिलास के ऊपर। अरे क्या ऊपर पड़ा हुआ, कुछ कुछ नहीं ना यार, और आवाज सी आई है यार ये। ये वाला, अच्छा ये कप, कप नहीं है, डिब्बा है ये। एकदम से जैसे मुझे महसूस हुआ जब वो गिरा है ना कि हवा में ऊपर गया हो, पता नहीं अब मेरा कोई वहम था या ऐसे हुआ, एकदम से आया उसे रिकॉर्ड करने के लिए। उसके बाद एक आवाज़ सी भी आई है इसी जगह से, ये अभी थोड़ी देर पहले। और पहले भी इन्हीं इसी जगह से ये बर्तन गिरे थे ना, जी हाँ, ये देखिए ये बर्तनों की मूवमेंट की आवाज़ भी आ रही है। पोस्चर में पीछे अकबर, इधर साइड पर, साइड पर गौर करिएगा, साइड पर होना अच्छा उसमें यार। मुसलसल ये मूवमेंट है, जगह यार, यार मैं कहता हूँ ये 4 बजे तो खड़ी कर दें, तो जगह ही नहीं बच रही ठीक से, तोड़ नहीं हो रहा, इसे खड़ी कर दें। छोटा सा कमरा है तो आपके पीछे था ना पहले, वो हुई है मेरा कैमरा आपके आपकी तरफ ही था, फिर एकदम से ये नीचे गिरी है। हाँ रिकॉर्ड हुई है ये, हुई है, कैमरा इधर ही था, बढ़िया हल्की से उसका, रिकॉर्ड हुई है क्योंकि जगह तो थी नहीं, जैसे चारपाई ही थी। गिरी है ना वो उसी जगह मैं स्टिल हो गया, ताकि ये बिल्कुल प्रॉपर रिकॉर्ड हो जाए। पहले ये हाँ जगह यहाँ पर थोड़ी सी कम है, दोस्तों को बता दें जी, ठीक है। चारपाई भी पड़ी थी तो अभी जो है वो हटा दिया हमने, ताकि मजीद। पीछे पीछे अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह।
ये अब भी मूव हो रहा है। ये देखिए अभी भी मूव हो रहा है। कुछ चीज है बिल्ली वगैरह तो नहीं आ गई अंदर मेरे पांव से ऊपर से कुछ चीज गुजरी है? नहीं यार इधर तो कुछ नहीं है। यहाँ पे इसी का आ रही है जी रीडिंग। अब अलार्म जो है उसने शो किया है काफी देर बाद। ये तो ऐसे लगा है जैसे ये जो एंगल लगे हुए हैं ना पीछे से कोई इनको प्रेस करता है आगे की तरफ ना। इस जगह रीडिंग शो कर रहा है। ये गिरा है यार ये चटाई गिरी है। पहले ये वहां से मूव हुई थी ना जान वास्ता नहीं है जी ये चटाई है। ये चटाई है यार शेरी भी जितना टाइम हमें यहाँ पे हो गया है ना वो अकबर यार ये यहाँ से उड़ गया है उतना शुरू हो गई है पीछे पड़े था ये तो अभी गिरा है चांद भाई को लगा है अकबर। और यहाँ पर काफी ये देखा नहीं यार ये तेज धार वाली चीजें भी पड़ी हैं जैसे वो कैंची हो गया। ये खुदा ना खास्ता अगर उसके चांद भी लग गई तो ज्यादा नुकसान होता जख्मी हो सकते थे यार। मैं भी यही बात करने लगा था कि जितना टाइम हो गया ना वो चीज़ कैमरा के सामने नहीं कैप्चर हुई ना जाहिर हुई है तो ऐसे ना करें कि हम डेढ़ सेगमेंट कर लें यहाँ पर कर लेते हैं जी। करें फिर शायद अकेले बंदे के सामने वो चीज़ जो है ख़ुद को जाहिर करें। आपको भी मेरे ख्याल में चाहिए झलक सी महसूस झलक तो महसूस हुई थी मुझे उस टाइम ना तो वो प्रॉपर जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी थी कैप्चर नहीं क्योंकि कैमरा मेरा सामने की तरफ था तो वो बैक साइड से जो है वो ऐसे ही करते हैं फिर चले हो सकता है जी कि वो देख के यार क्या हो गया बच गया नीचे से स्लिपरी जगह है ना जी वो बारिश हुई है तो बढ़ती काफ़ी मर्ची हो इस जगह मौजूद है तो इस वजह से ये पाइप के ऊपर खड़ी है मतलब अभी आप मिस्त्रियों काम करते रहे आपको तो ज़्यादा इल्म होगा। ये शायद भाई नोट तो करें ये क्या चीज़ है आपने तो इंजीनियरिंग की हुई है रस्सी के साथ बांधी हुई है यार फिर आप उसी पिलर के पास खड़े हो गए पांव के ऊपर लगे आप बाकी जहाँ भी देखना शुरू हो गए। अच्छा जी आप दोस्तों को बताते चलें जी कि इस जगह काफ़ी टाइम जो है वो हमने स्पेंड किया है और काफ़ी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कैमरा पर जो हैं वो रिकॉर्ड हुई हैं और फिर हमने डिसाइड ये किया था कि डेढ़ सेगमेंट जो है वो किया जाए और बहुत से दोस्तों ने भी कमेंट्स में कहा था कि आप डेढ़ सेगमेंट जो हैं वो स्टार्ट करें दोबारा से तो आप दोस्तों के कहने पर जो है वो डेढ़ सेगमेंट जो है वो हम इस जगह कर रहे हैं। साइंस जो हैं वो काफ़ी सारे मिल चुके हैं हमें लेकिन वो जो भी मखलूक इस जगह मौजूद है वो फ़िलहाल कैमरा पर रिकॉर्ड नहीं हुई एक्टिविटीज़ जो हैं वो मुसलसल यहाँ पर हुई हैं और प्रॉपर वाज़े कैमरा पर रिकॉर्ड भी हुई हैं तो मैं अभी फ़िलहाल इस जगह आ गया हूँ और यहाँ पर जो है वो डेढ़ सेगमेंट करूँगा कुछ वक्त यहाँ पर बिताऊँगा और
कोशिश करूँगा कि उस मखलूक को रिकॉर्ड कर पाऊँ आप दोस्तों के लिए। तो मैं ऑपोजिट करता हूँ जी कैमरा, फिर स्टार्ट करता हूँ। इस जगह पर भी काफ़ी सारी जो हैं वो एक्टिविटीज़ हुई थी, और अब यह भी मुझे महसूस हुआ जैसे बाहर से जो है ना वो एक आवाज़ आई हो। इस जगह से जो है जी वो आवाज़ आई है, और ये आप एक लोहे का रॉड देख रहे हैं, ये चांद भाई के बिल्कुल पीछे आ गिरा था, और अगर खुदा ना खास्ता चांद भाई के सर पर लग जाता तो शदीद ज़ख्मी हो सकते थे वो। अल्लाह पाक ने जो है वो बचा लिया। उसके बाद इस दरवाज़े की मूवमेंट जो है वो कपल ऑफ टाइम्स जो है वो रिकॉर्ड हुई है, और ये टेबल जो है ये भी अपनी जगह से जो है वो सरका है, ये भी अपनी जगह से जो है वो सरका है, और ये भी उनका कुछ सामान भी पड़ा है। उन्होंने वैसे ही पेंडिंग कर दिया है जी के यहाँ पर मामलात काफ़ी ज़्यादा हैं, तो काफ़ी सारा जो काम है उनका अभी भी पेंडिंग में है। और शादी जो है वो बता रहे थे कि बहुत नज़दीक है, सो काइंडली आप जल्दी आ पाएँ और इस लोकेशन को जो है वो क्लियर करें। सो कल ही चांद भाई जो हैं वो विज़िट करके यहाँ पर गए थे, और आज हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और काफ़ी सारे साइंस जो हैं वो चांद भाई की विज़िट वीडियो में भी रिकॉर्ड हुए थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग साइंस थे। सो इसीलिए आप दोस्तों से गुजारिश करना है कि आप हमारे जो चैनल्स हैं उनको भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो विज़िट के दौरान जो हैं वो कैप्चर होती हैं, लेकिन जब हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो उस किस्म की एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं होती। तो समटाइम ऐसा भी होता है। सो अगर आप हमारे विज़िट वीडियोज़ देखना चाहते हैं हॉरर प्लेसेस की और उन मकामात की जहाँ पर हम प्रोग्राम करते हैं, सो इसलिए आप दोस्तों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि हम तीनों के चैनल्स जो हैं वो सब्सक्राइब कर लें आप, ताकि आप दोस्तों को एक तो ये पता चल जाया करेगा कि अपकमिंग जो लोकेशन है वो कौन सी है हमारी। इस जगह पर भी जी काफ़ी सारी मूवमेंट जो है वो रिकॉर्ड हुई थी। ये जी रूम है, इस जगह जो है वो यहाँ पर मैं EMF मीटर जो है वो मैं ऑन कर लेता हूँ, ताकि अगर किसी किस्म की भी जो है वो रीडिंग होगी तो वो EMF मीटर जो है वो साइन देगा। इसको मैं ऑन करके अपने पास रखता हूँ। अभी मैंने फ़िलहाल बंद कर दिया क्योंकि एक हाथ से जो है वो कैमरा जो है वो शेक होता है, तो प्रॉपर शायद फिर रिकॉर्ड ना हो, तो इसलिए अभी मैंने EMF बंद किया। अगर कहीं मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं ऑन कर लूँगा। इस रूम में जो है जी वो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हुई थी, और ये जो आप चारपाई देख रहे हैं ये पहले इधर सेंटर, इधर क्या हुआ है जी मुझे ऐसा लगा जैसे ये जो ताला है ना जी ये सरका हो अपनी जगह से। इसको उठा के ऊपर रख देता हूँ जी, यहाँ पर ये मैंने रख दिया जी। चांद भाई का बताना ये है जी कि वो काफ़ी टाइम जो है वो यहाँ पर रहे थे, और जब उन्होंने साइन मांगा था ना तो साइन मांगने के कुछ देर बाद जो है वो एक्टिविटी होना शुरू हो गई थी। तो मैं भी साइन मांगता हूँ,
शायद ये देखें जी, ये जो है ना अभी एक आवाज़ आई है। यार पहले एक आवाज़ जो है वो इस साइड से आई है, और अभी मैं आप दोस्तों को नीचे से दिखाना चाह रहा था कि नीचे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और इस जगह से जो है वो मूवमेंट हुई है। मुझे नहीं पता कि ये जो प्लेट्स पड़ी हैं और एक ये प्लेट पड़ी है ये मूव हुई है या देखें, अगर आप इस जगह मौजूद हैं तो कैमरे के सामने ख़ुद को ज़ाहिर कर सकते हैं। इतना तो मुझे पता है कि आप इस जगह मौजूद हैं, ख़ुद को कैमरे के सामने जो है वो ज़ाहिर कर सकते हैं। दोस्तों को बता दूं जी कि ये उस जगह पड़ी थी और ये नीचे आ गिरी है। प्रॉपर मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाया क्योंकि मेरा कैमरा उस साइड पर था और मेरा ध्यान भी जो है वो उसी साइड पे था। और इससे पहले भी मैं आप दोस्तों को बता दूं कि मैं यही मेंशन कर चुका हूं कि जिस जगह अंधेरा ज़्यादा होता है ना, ये उसी जगह जो है ना वो ज़्यादातर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, यानी बैक ऑफ कैमरा। अल्लाह अकबर, यार ये बिल्कुल साफ जो है ना, ये इस ड्रम की जो है ना ये आवाज़ आई है अभी। जैसे ही ये रोशनी मेरी थोड़ी साइड पर होती है ना, फौरन जो है ना वो एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है। देखिए कैमरे के सामने कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, इस जगह कोई भी एक्टिविटी जो है वो आप कर सकते हैं अगर आप इस जगह मौजूद हैं, अपने होने का एहसास जो है वो ज़ाहिर कर सकते हैं। अल्लाहु अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता। यार ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वो रिस्पॉन्स कर रही है एक्टिविटी, और जैसा मैं बोल रहा हूँ वो वैसे ही एक्टिविटी जो है ना वो कर रही है। एक अजीब सी जो है ना वो इस जगह कैफियत हो रही है। यहाँ पर यार ये कुछ ना कुछ तो है, और मुझे आप दोस्तों को बता दूं कि मुझे ना ये देख, अल्लाहु अकबर, आप यकीन जानिए कि एक एहसास होता है, एक फीलिंग होती है जो मैं आप दोस्तों को नहीं बता सकता कि इस जगह। और जब इंसान अकेला होता है ना तो एक अजीब सी कैफियत होती है, और जब हम तीन बंदे होते हैं तो उस वक्त कैफियत जो है ना वो डिफरेंट होती है। अल्लाह अकबर, यार ये अल्लाह अकबर, बैक ऑफ कैमरा ही जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो बैक ऑफ कैमरा हो रही हैं। देखिए कैमरे के सामने एक्टिविटी करें, बैक ऑफ कैमरा क्यों कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, या दोस्तों को बता दूं यार ये क्या है, यार ये अभी फिर से जो है ना ये पंखे की आवाज आई है, इसीलिए मैंने पूरा घुमा दिया है कैमरा ताकि आप दोस्त भी देख सकें।
अल्लाह अकबर। काफ़ी सारे जो साइन है वो मैंने इस जगह जो है वो कर लिए हैं जी, और कुछ ही देर जो है वो मैं यहाँ स्टे करता हूँ और फिर देखते हैं कि मस्जिद क्या है, यहाँ पर हमें साइन मिलते हैं। अच्छा जी, आप दोस्तों को बता दूँ कि डेट सेगमेंट जो है वो अभी जारी है, और सोचा कि इस कमरे में जो है वो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो रिकॉर्ड हुई हैं, और खसूसन इन जगहों पर, इस स्पॉट पर जो है ना वो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं, और अभी सारे जो आप पंखा देख रहे हैं जी, उसमें मूवमेंट जो है वो हुई है। और अब दोस्तों को बताता चलूं जी कि उससे पहले भी जब मैं यहाँ पर डेयर सेगमेंट कर रहा था, और जैसे ही मैं बाहर गया हूँ तो अंदर से जो है वो आवाज़ें आई हैं। अभी ऐसा जो है वो महसूस हो रहा है कि इस कमरे में जो है ना वो कोई ना कोई एक्टिविटी जो है ना वो मुसलसल मौजूद है। तो कैमरा प्लेस इसीलिए मैंने किया है कि मैं उस मखलूक से बात कर सकूं और उस मखलूक से साइन मांग सकूं। अभी एक आवाज़ आई है जी घुराने की, अब वो मुझे नहीं पता कि माइक में जो है वो रिकॉर्ड पर मैं EMF मीटर लेकर रीडिंग चेक करता हूँ। कैमरा जो है वो उसी जगह मैंने प्लेस किया हुआ है ताकि इस जगह अगर कोई भी एक्टिविटी होती है तो रिकॉर्ड हो जाएगी, क्योंकि इस जगह EMF की रीडिंग भी यहाँ पर जो है वो मौसूल है। कहाँ से है ये भी दोस्तों को बता दूं जी कि एक हैंगर है और ये ऊपर छत से जो है वो नीचे आ गया है। तो मैं ये बता रहा था कि इस जगह पे रीडिंग मौसूल हुई थी, तो बेहतर ये मैंने जाना कि इसी जगह जो है वो कैमरा जो है वो मैं यहाँ पर रखूँ और इस जगह को जो है ना वो मैं रिकॉर्ड करूँ, ताकि इस जगह अगर कोई भी एक्टिविटी हो तो वो प्रॉपर जो है वो कैमरे की आँख जो है ना उसको रिकॉर्ड कर सके। मज़ीद मैं साइन मांगने की कोशिश करता हूँ, अल्लाह करे कि अगर कोई साइन रिकॉर्ड हो जाए तो वो बेस्ट होगा हमारे लिए। बाकी साइन यहाँ पर मांगने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जिस तरह की एक्टिविटीज़ इस जगह हो रही हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, मुझे पता है कि आप इस जगह पर मौजूद हैं और अपने आप को जाहिर करवाए हुए हैं मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करके। आपने जितनी भी एक्टिविटीज़ की हैं वो बैक ऑफ कैमरा की हैं, कैमरे के पीछे की हैं। क्या आप ख़ुद को जाहिर कर सकते हैं, कैमरा के सामने आ सकते हैं किसी भी शक्ल में, किसी जानवर की शक्ल में? अभी मुझे महसूस हुई है इस जगह एक्टिविटी, यहाँ पर रीडिंग भी जो है वो हो रही है। ये देखें, ये भी मैंने इस जगह किया और ये रीडिंग है। ये रुके, मैं कैमरा ज़रा कर लूँ। ये देखें, रुके जी, मैं कैमरा करके आपको दिखाता हूँ। अच्छा, दोस्तों को बता दूँ जी कि
अब कैमरा जो है वो मैंने ऑपोजिट किया, ये जो आप प्लास देख रहे हैं इसकी मुझे जो है ना वो मूवमेंट थोड़ी महसूस हुई है, और इसकी आप डायरेक्शन चेक करें वो मेरे ख्याल में ये इस जगह पड़ा था और अब ये इस जगह है। सो इसीलिए जो है यहाँ पे मैंने कैमरा जो है वो प्लेस किया था ताकि कुछ ना कुछ जो है वो मैं रिकॉर्ड कर सकूं। और ये जो आप चारपाई देख रहे हैं इसकी भी जो है वो मूवमेंट जो है वो मुझे महसूस हुई थी, और कैमरा जो है वो मैंने इस जगह प्लेस किया हुआ था ताकि जो है वो मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ। और ये जो फ़ैन आप देख रहे हैं, पंखा, इसकी जो है ये मुसलसल मुझे ना आवाज़ जो है वो आती रही है। बहरहाल इस जगह जो है वो काफ़ी सारे जो हैं वो साइन मैंने मौसूल मुझे हो गए हैं, मुझे मिल गए हैं। तो एक लास्ट टाइम जो है वो उनसे यहाँ पर साइन मांग के देख लेते हैं जी। देखें कैमरे के सामने आ सकते हैं, खुद को कैमरे के सामने लेकर आएं। इतना मुझे पता चल गया है कि आप इस जगह मौजूद हैं। कैमरे के सामने आप खुद को जाहिर कर सकते हैं। अभी मुझे इस जगह लगा जी के ना जैसे कोई चीज़ जो है ना वो इस जगह से तेज़ी से इस साइड पे गई हो। एक हवा का झोंका था। अल्लाहु अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यार इस जगह जो है ना जी वो काफ़ी साइन जो है वो मुझे मिल गए। अब इस जगह जो है ना वो ये देखें मुसलसल जो है वो ये मैं मीटर भी यहाँ बजना शुरू हो गया। मुझसे तो यहाँ पर और ज़्यादा स्टे नहीं हुआ जा रहा, सीधी सी बात है। एक अजीब सी जो है वो कैफियत हो रही है। सो मैं यहाँ पर चांद भाई को बताते हैं और चलते हैं यार।